चलो फिर गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब सीधा बस रिटर्न होम जर्नी है, सिंपल रोड पे, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं। एंड कुछ मिलेगा तो मैं कैमरा ऑन कर लूँगा। रेस्टोरेंट में बैठ के कैमरा चार्ज करने का यही तो एक फ़ायदा है। राइट, अभी हम खाली ये दो बाइक्स और मैं, हम तीन बाइक्स बचे हैं, विट पिलेन 250, इंटरसेप्टर 650 एंड अपाचे RTR 180। सो प्रीटी ग्रेट, राइट? Where are these people going? सीधा जाना है अभी हमने, सीधा सीधा सीधा। Where are all these people going? आगे कोई दिक्कत है? आगे कोई दिक्कत है? सारे का सारा ट्रैफिक गाइस वापस आ रहा है यहाँ पे, सब कुछ फॉल्ट लग रहा है आगे, सब यहाँ से हमें सर्विस लेन में डाल के जाना पड़ेगा। यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। चलो वीडियो को गाइस एंड करते करते ही यहाँ पे कुछ फड्डा आ गया, फड्डा ही फड्डा है इस दुनिया में, क्या करें अब। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई है एक्चुअली हमें दवाई की। इधर भी नहीं है, इधर भी मना कर रहे हैं भाई, इधर भी कह रहे हैं रास्ता नहीं आगे, ये वापस आ रहे हैं हरे। यहाँ तो जाम लग चुका है ऑलरेडी, वापस से गाइस पीछे से जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कि यार क्या होने वाला है अब, रास्ता ही बंद है, बताओ अचानक से रास्ता कैसे बंद हो गया। आई डोंट नो मैन, उस साइड का रास्ता बंद कह रहे हैं लोग, वापस आ रहे हैं वहां से भी। मैप में देखना पड़ेगा गाइस, बहुत ही ज्यादा तगड़ा जाम था गाइस। वीडियो को एंड करते करते देख रहे हो, कहा था ना कुछ कंटेंट मिलेगा तो दिखाऊंगा, तो ये रहा कंटेंट मिल गया। तो इतना ज़्यादा तगड़ा जाम था बेसिकली, वहाँ पर रोड बंद कर दी है। आई डोंट नो ये कुछ फार्मर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि रोड इतनी बड़ी रोड ऐसे बंद कर देना जिससे कि मेन जो ट्रैफिक उस पर्टिकुलर रोड पे, वो उसी रोड पे यू टर्न लेके वापस आ रहा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, वेरी स्ट्रेंज। एंड ये NHPC वाली रोड पे हूँ मैं अभी, तो यहाँ से आगे जाके एक बाईपास लीड कर रहा है, सो उसी बाईपास से अब उसी साइड उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो बाईपास क्रॉस कर देगा उस पर्टिकुलर सेक्शन को। एंड अभी आगे है शायद, क्योंकि मेन रोड तो यहाँ पे कुछ दिखी नहीं, तो यहाँ पे ज़रा कैमरा ऑफ किया जाए, अदरवाइज मैं आपको बोर करता रहूँगा। हाँ कुछ दिखता तो मैं दिखाता हूँ, अदरवाइज बाय बाय टाटा सिया। हालत थोड़ी टाइट हो चुकी है यार, क्या करें अब, हर जगह का बुरा हाल है। हम अभी उस साइड से बाईपास वाली रोड लेके यहाँ तक वापस आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आगे सब बंद किए हुए हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट। लेकिन अब यहाँ से फिर से हमें राइट लेने के लिए बोल रहे हैं शायद, तो दैट इज़ नॉट नाइस, हमें भेजा ही क्यों है, नॉट एट ऑल गुड। ऐसा यहाँ तो फोर्थ वगैरह आई हुई है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या, आई डोंट नो। यहाँ से देखो ये रास्ता पूरा बंद है, एंड शायद अभी हम ये बीच में से जा पाएँ, बट आई डोंट थिंक सो, सारी बाइक यहीं पर है वैसे तो। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इट्स गोइंग ऑन, क्या हुआ भाई, हर तरफ गाइस बैरियर है। यार ये तो फड्डा हो गया यार, दिल्ली की एंट्री बंद हो गई बेसिकली गाइस, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं यहाँ से फरीदाबाद साइड से, एंड समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, रॉन्ग वे मारे, रॉन्ग वे मारते हैं और क्या होगा। अब गाइस रॉन्ग वे मार रहे हैं यहाँ से, लेट्स सी कि रॉन्ग वे से भी जा सकते हैं कि नहीं, एंड ये सामने पुलिस से जाने भी देती है कि नहीं, जाने देगा ये, तो हमें रॉन्ग वे लेके जा सकते हैं, क्या करें यार तो फंस गए।
पता चले वो बोल रही बंद हुआ ऊपर से। ऊपर तो बंद है, बंद है, बंद है, ऊपर मत जाना। हाँ हम वहीं से आए अभी घूम के, बाईपास से ऊपर बंद है। कहाँ जाए लेकिन कैसा हाल देख रहे हो ना, दिल्ली के बॉर्डर्स हैज बीन सील्ड पीरियड। डेट मैं आपको बताया नहीं अभी तक, डेट है आज 10th January। हाँ आई डोंट नो, ये वीडियो शायद मैं आपके साथ डेट ही शेयर करूँगा तो इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा उतना, बट स्टिल 10th January को ये हाल हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि सर्विस लेन में डाल के आगे जा सकते हैं कि नहीं। दिल्ली बॉर्डर क्रॉस होना ज़रूरी है, जो ये सामने टोल गेट आप देख रहे हो। ओह माय गॉड, सर्विस लेन में डालिए रॉन्ग साइड के। आई होप कि अब जा पाए यहाँ से। आई डोंट नो ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। सुबह तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अब तो हाल ही ख़राब हो चुका है। Damn man, let's see कि ये रोड कहाँ लीड करेगी, जा सकते हैं इससे कि नहीं। टोल के काफ़ी पास हैं इस बार हम, let's see क्या होता। अच्छा वो मुगलाई में ढंग से खाना खा लिया, भले ही टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इस हाल को देख के लग रहा है कि बहुत बढ़िया डिसीजन था वो। अब एटलीस्ट भूख तो नहीं लगेगी कुछ घंटों तक, बट इन एनी केस यहाँ से निकले बुरी, आई होप सो किसी तरीके निकले, बट स्टिल ट्रैफिक इज जस्ट टू मच। आई होप यहाँ से निकल जाएंगे, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, स्पेशली द टोल। हालत टाइट हो गई है वैसे देखा जाए तो, सामने से ट्रैफिक आ भी रहा है एंड यहाँ से जाना भी है। आई डोंट नो क्या होगा, जा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। सुपर डुपर टर्बो केओटिक। आ आ ध्यान से ध्यान से। गाइस बड़े ही मुश्किल से रॉन्ग साइड के सर्विस लेन पे आते 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 ही टोल क्रॉस किया है। अभी हम अभी भी जानू इसके यहीं पर ही है कि एक यूटर्न आया था बीच में, लेकिन वो उस साइड नहीं जा रहा था, इसी रोड पे वापस लेके जा रहा था, तो उसका कोई गारंटी नहीं समझ में आई। लेकिन अब फाइनली एक टर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो इस टर्न से हम शायद जा सकें। आई थिंक सो जा सकते हैं, यस यस यस। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस रोड पर आना, इस रोड पे आ गए। चलो ये काम भी अच्छा हुआ, इंडिकेटर्स आर ऑन एंड बाइक का यही है कि टर्निंग रेडियस इज वेरी स्मॉल एंड अब फाइनली इस रोड पे आ गए हैं। सो अब यहाँ से निकल जाए। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यार। आई डोंट नो कि ये बॉर्डर्स क्यों है बंद, क्यों करे हैं बंद, क्या रीज़न है। एटलीस्ट रीज़न तो बताना चाहिए ना, वहाँ पे कोई बैनर लगा के या कुछ भी, किसी से मुझे कुछ बता के राजी नहीं। आई डोंट नो, चलो थैंकफुली यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बस अपनी रिंग रोड पे आ जाएं, जिसमें कोई बैरियर शैरियर ना हो, एंड आश्रम लिखा है सामने तो भी सीधा ही जाएंगे। आश्रम से ही लेफ्ट लेना, आश्रम क्रॉस करके आश्रम चौक से। तो फाइनली एट लास्ट वी आर एट द रिंग रोड, और बस आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। सो डबल ट्रिपल एडवेंचर हो गया आज, इतना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले पानीकोट लेक, देन ऑफ रोडिंग, सुपर ऑफ रोडिंग, इतनी कभी सोची नहीं थी। पहाड़ ये वो कैसे चलाया था आई हैव नो आइडिया। तो तीसरा बॉर्डर्स आर क्लोज, बॉर्डर्स वर सील्ड,
मैन, बॉर्डर सील करने से ही क्या हाल हो गया था सुपर डुपर ट्रैफिक। तो बस ये बाइक थी तो उन्होंने जाने दिया। आई डोंट नो कि गाड़ी के अंदर होता तो क्या हाल होता। बाइक में तो किसी तरीके से उन्होंने जाने भी दिया एक जगह से, एंड जो पतली सी सर्विस लेन से हम लोग आए हैं वहाँ से भी निकल गए जल्दी। गाड़ी होती तो भाई साहब यहाँ तो 10-12 स्क्रैच फालतू मिलते हैं, यहाँ निकलते ही नहीं। सही साउथ तक पहुँच चुके हैं, साउथ एक्सटेंशन चिराग दिल्ली के लिए सीधा। बस बेसिकली अब सीधा 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 जाएंगे तो कर्व होते हुए ये विदमपुरा तक पहुंच जाएगा, एंड मोस्टली वहीं से हम लोगों ने पार्ट होना। तीन जने, दो जने आगे मैं पीछे, बाकी सब निकल चुके हैं। चलो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, अदरवाइज ये हो जाएगा बड़ा। एंड अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था या फिर इसी में बोला था, आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो एक बार आप चैनल चेकअप करना, आपको गाइस कुछ भी अच्छा लगता है उसके ऊपर तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर वेयर करते रहना गाइस। मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मोटिवेशन मिलेगी, कुछ और सब्सक्राइबर ऐड होंगे, थोड़ी मोटिवेशन ये मिलेगी कि मैं ट्रैवल बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। यू नो इट्स नॉट ईजी टू डू ऑल ऑफ दिस, बट फन भी है एंड वीडियोज़ बनाने का एक अलग ही फन है। सो अंटिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या। Have lots and lots of fun.